डेटा स्टोर किया है वो आपका कितना परसेंट सही से स्टोर किया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने डेटाबेस को स्टोर किया है, डेटाबेस में अपनी इंफॉर्मेशन कॉलेज के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करी है। अब यही कॉलेज स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन किसी और ने भी स्टोर करी है। ठीक है, अब दोनों डेटाबेस में से कौन से डेटाबेस की इंफॉर्मेशन करेक्ट है, एक्यूरेट है। एक डेटाबेस में तो किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 50% और एक डेटाबेस में किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 60%। तो दोनों में से कौन सा डेटाबेस करेक्ट है, ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा रिलायबल है, इन सारी प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, क्या कहते हैं हम इन सारी प्रॉपर्टीज को, कि आपका डेटाबेस कितना एक्यूरेट है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डेटाबेस की इंटीग्रिटी, दैट इज लेवल ऑफ करेक्टनेस। फाइन, तो डेटाबेस इंटीग्रिटी रिफर्स टू द करेक्ट प्रोसेसिंग ऑफ डेटाबेस सच एज अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट बिजनेस रूल्स, सच एज अप्लाइंग द अप्रोप्रिएट बिजनेस रूल्स व्हेन परफॉर्मिंग अ डेटाबेस ऑपरेशंस, मींस दैट डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस आर एक्यूरेट। ठीक है, इंटीग्रिटी क्या होती है, आपको ये अश्योर करना है कि आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही है डेटाबेस में, जो भी डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, जो भी आप मॉडिफिकेशन लगा रहे हैं, जो भी आप इंसर्शन लगा रहे हैं, कोई भी नई वैल्यूज ऐड कर रहे हैं, वो सारी की सारी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, प्रोसेसिंग हो रही है, वो सब सही होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई अप्रोप्रिएट बिजनेस रूल लगा रहे हो, हमने बोला कि हमने इसको प्राइमरी की बना दिया, तो हमने बोला उसमें कोई हमने अप्रोप्रिएट बिजनेस रूल लगाए हैं तो वो सही होने चाहिए, राइट। दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज नोन एज डेटा बेस इंटीग्रिटी। ठीक है, मीन्स दैट डेटा स्टोर्ड इन द डेटा बेस आर एक्यूरेट। ठीक है, बेसिकली आपने जो भी डेटा स्टोर किया है अपने डेटा बेस के अंदर, दैट शुड बी मच मोर एक्यूरेट एंड करेक्ट। ओके, हमने अपनी डेटाबेस की इंटीग्रिटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सेवरल वेज टू इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी आर। ठीक है, बेसिकली आपने डेटा इंटीग्रिटी समझ लिया, लेवल ऑफ करेक्टनेस। अब लेवल ऑफ करेक्टनेस को कैसे कैसे चेक किया जा सकता है। ठीक है, हमने बोला कि हमारे इस पर्टिकुलर हाउस में, हमारे घर में चोरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने बोल दिया कि चोरी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर्टी हमारी सेफ रहनी चाहिए, ये प्रॉपर्टी होगी डेटा इंटीग्रिटी। फाइन, अब हम चोरी ना करने के लिए, हम कौन चोरी ना हो हमारे घर में, इसके लिए हम कौन कौन से मेथड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हम डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, डेटा इंटीग्रिटी, हाउस इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, तो वही चीज अभी हम देखेंगे कि ऐसे ही जब आपके डेटाबेस में बहुत सारा डेटा स्टोर किया गया है तो उसको आप सेफ कैसे रख सकते हो, उसको आप इंटीग्रेट करके उसकी एक्यूरेसी को मेंटेन कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ फाइव डिफरेंट पॉइंट्स। फर्स्ट इज डोमेन इंटीग्रिटी, सेकंड इज एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, थर्ड इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, फोर्थ इज बिजनेस रूल्स एंड फिफ्थ इज डेटाबेस कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपके पास फाइव मेजर रूल्स हैं, फाइव मेजर पॉइंट्स हैं, तरीके हैं आपके डेटाबेस इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए। अगर आपके ये फाइव मेजर रूल्स, फाइव मेजर पॉइंट्स अगर आपके सक्सेसफुली हैं, मतलब अगर आपने आपके डेटाबेस में डोमेन इंटीग्रिटी है, एंटिटी इंटीग्रिटी है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है, बिजनेस एंड डेटा कंसिस्टेंसी है, तो वी के यू कैन मेक श्योर कि आपका डेटाबेस की इंटीग्रिटी इज अप टू द मार्क। ठीक है, हम बेसिकली कंपनीज में जाते हैं आगे, तो आपसे पूछा जाता है कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक कि आपका डेटाबेस की इंटीग्रिटी क्या है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द मेजर्स, आप डेटाबेस की इंटीग्रिटी एक पर्टिकुलर पैरामीटर को देख के जज नहीं कर सकते, आपको ये फाइव डिफरेंट पैरामीटर्स को देखना है, इनको अप्रोप्रिएट तरीके से जज करना है कि यस वी हैव दीज फोर पॉइंट्स, इन फाइव पॉइंट्स में से आपके सारे के सारे फाइव पॉइंट सस्टेन हो रहे हैं आपके डेटाबेस में, तब हम कह सकते हैं कि यस हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी इज अप टू द मार्क, इज एक्यूरेट। ठीक है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर आपके डेटाबेस को सस्टेन नहीं करता, कनेक्शन इज इन ओके एस्टैब्लिश्ड हो गया, चलो ठीक है। यस, इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपके डेटाबेस इंटीग्रिटी में सस्टेन नहीं करता, तो तब हम कह सकते हैं हमारे डेटाबेस की इंटीग्रिटी लो है, कम है। ठीक है, एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन एंटिटी रेफरेंशियल बिजनेस एंड डेटाबेस कंसिस्टेंसी। फर्स्ट वी हैव इज डोमेन एंटिटी।
डोमेन एंटिटी आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि कोई भी आपकी टेबल होती है, ठीक है, तो डोमेन मींस एंट्रीज इन अ फील्ड और कॉलम फ्रॉम द सेम डोमेन, ठीक है। डोमेन आपका सिंपल क्या होते हैं, डोमेन्स हमारे ये पर्टिकुलर फील्ड्स को कहते हैं, ठीक है। टपल्स होती है आपकी रोज, डोमेन्स होते हैं आपके कॉलम्स, ठीक है। तो नेम से पता चल रहा है डोमेन्स एंड टपल्स, ये रोज होती है टपल्स, ठीक है, या फिर इसको आप रिकॉर्ड्स भी कह सकते हो, और डोमेन एट्रीब्यूट फील्ड कॉलम्स ये आपके कॉलम्स के नेम है, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन टू दिस, ठीक है। एक टेबल है रोज के मल्टीपल नेम्स हैं टपल्स रिकॉर्ड, और एट्रीब्यूट कॉलम्स के भी मल्टीपल नेम्स हैं डोमेन एट्रीब्यूट फील्ड कॉलम, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि किसको हम डोमेन को हम रो बोलते हैं या कॉलम बोलते हैं, इसको याद रख लो बेटर रहेगा, ओके। तो फर्स्ट वी हैव इज डोमेन इंटीग्रिटी, यानी कि बेसिकली आप डोमेन इंटीग्रिटी में क्या चेक कर रहे हैं कि आपकी जो भी टेबल्स हैं उसमें हर एक डोमेन में करेक्ट वैल्यू जा रही है या नहीं जा रही, सिंपल, ठीक है। क्या चेक करना है आपको डोमेन इंटीग्रिटी में, डोमेन इंटीग्रिटी मींस एंट्रीज इन अ फील्ड और कॉलम फ्रॉम द सेम डोमेन, ठीक है। अगर हमने डाला इधर नेम हमने एंटर किया है तो इस पर्टिकुलर डोमेन में सब नेम्स एंटर होने चाहिए, कोई रोल नंबर एंटर ना हो जाए, कोई मार्क्स एंटर ना हो जाए या कोई एड्रेस एंटर ना हो जाए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को इंश्योर करना कि हर डोमेन में करेक्ट वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो डेटाबेस की, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डोमेन इंटीग्रिटी, ओके, ठीक है। मींस एंट्रीज इन अ फील्ड और कॉलम्स फ्रॉम द सेम डोमेन, फाइन। इस पर्टिकुलर इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए डिफरेंट वैलिडेशन रूल्स कैन बी अप्लाइड टू ट्रैप एरर्स, ठीक है। आपको अलग अलग पर्टिकुलर रूल्स मिल जाएंगे आपके डेटाबेस में काम करते टाइम, हर एक डोमेन को चेक करने के लिए आपको अलग अलग यूज मिल जाएंगे, कि हमने बोला कि इसको नेम्स के अकॉर्डिंग चेक करो कि इस डोमेन में सिर्फ नेम्स फील्ड ही आनी चाहिए, या फिर हमने कोई वैल्यू जैसे मान लीजिए इसमें पर्टिकुलर मार्क्स हम ऐड कर रहे हैं तो फिर से लग गया कि इस पर्टिकुलर डोमेन में 50 से ग्रेटर देन मार्क्स ही एंटर हो सकते हैं, उससे कम मार्क्स एंटर नहीं हो सकते। तो डिफरेंट डिफरेंट हर एक डोमेन के लिए, हर एक डोमेन के लिए, हर एक कॉलम के लिए, एट्रीब्यूट के लिए, मैं अलग अलग नाम इसलिए बोल रही हूँ ताकि याद हो जाए, ठीक है। एट्रीब्यूट के लिए आप अलग अलग रूल्स को यूज कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस को यूज कर सकते हैं एरर्स को ट्रैप करने के लिए, एरर्स को फाइंड करने के लिए, कि कहीं कोई आपके, क्योंकि डेटाबेस इतना सा नहीं होता है, ठीक है, आपका कॉलेज का डेटाबेस ही बहुत बड़ा है, तो सोचो कंपनीज और एमएनसीज का डेटा कितना बड़ा, डेटाबेस कितना बड़ा होगा, राइट। तो वहां पे हर एक एट्रीब्यूट में एरर फाइंड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, आपको नहीं मिल पाते क्योंकि हमारी माइन्यूट के क्या क्या आप मैनुअली क्या क्या चेक करोगे, राइट। तो मैनुअली चेक करने के लिए हम डोमेन इंटीग्रिटी, मैनुअली चेक ना करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डोमेन इंटीग्रिटी में कुछ वैलिडेशन रूल्स लगा देते हैं हर डोमेन के लिए, और वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके डोमेन्स को, कॉलम्स को ऑटोमेटिकली वो वैलिडेशन रूल्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेता है, और अगर कोई गलती मिलती है तो वो ट्रैप हो जाती है, फाइन। दिस वॉज डोमेन इंटीग्रिटी। नेक्स्ट वी हैव इज एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है। एंटिटी इंटीग्रिटी आपको पता है एंटिटी मतलब क्या होते हैं, एंटिटी मतलब मैंने आपको बताया था ईआर डायग्राम्स हमने पढ़े थे, ठीक है। एंटिटी मतलब बेसिक वैल्यूज आपकी, ठीक है, जैसे कोई भी एंटिटी सेट हमने बना दिया स्टूडेंट्स नाम का, तो स्टूडेंट तो हो गया एंटिटी टाइप, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारी आपकी हो गई एंटिटीज, राइट। तो ईआर डायग्राम जिसको भूल गए हो तो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एक बार फिर से देख लेना, बहुत जरूरी है वो आपके एकेडमिक्स के पर्सपेक्टिव से भी और करियर के पर्सपेक्टिव से भी, आगे फ्यूचर में आपके इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। ईच रो इन अ रिलेशन मस्ट बी यूनिक, ठीक है। हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स बना दिए एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के। फर्स्ट रूल हमने बना दिया कि एंटिटी इंटीग्रिटी में हमने बोला कि ईच रो इन अ रिलेशन मस्ट बी यूनिक, ठीक है। हमने क्या बोला एंटिटी इंटीग्रिटी को चेक करने के लिए कि हर एक रो, जो भी वैल्यूज आप हर एक रो में एंटर कर रहे हो वो सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए, फाइन। अगर आपका ऐसा है तब आपका फर्स्ट रूल सस्टेन हो जाएगा एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। एंटिटी मतलब एंटिटी होता है जो भी उस सिस्टम में बिलोंग कर रही है वो होती है एंटिटी, ठीक है। यानी कि जो भी आपने टेबल में स्टोर करी है इंफॉर्मेशन
उसकी आपको करेक्टनेस चेक करनी है, ठीक है? इस रिकॉर्ड में, इस टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर करी है उसकी करेक्टनेस चेक करनी है आपको। वो आपको चेक किसमें करनी है? सेकंड पॉइंट में, विच इज एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। कैसे चेक करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखोगे कि ईच रो इन अ रिलेशन मस्ट बी यूनिक। दैट मीन्स आपने जो भी रिकॉर्ड में जितने भी रो इंसर्ट किए हैं, सारी रो आपकी यूनिक वैल्यू इंसर्टेड होनी चाहिए। वहाँ पे एक भी रिपीटेटिव वैल्यूज इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है? प्राइमरी की शोज द यूनिकनेस ऑफ अ रो कैन नॉट बी नल, कॉल एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है? जो प्राइमरी की का कंसेप्ट है वो मेन एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट का ही है। हमने बोला था कि प्राइमरी की हम कोई भी एक एट्रीब्यूट को बना देंगे, और इस प्राइमरी की जो भी मान लीजिए स्टूडेंट आईडी मैंने प्राइमरी की बना दी इस एट्रीब्यूट को, अब इसमें जब भी आप हर एक रो में जो भी वैल्यू ऐड करोगे स्टूडेंट आईडी की, दैट कैन नॉट बी नल। प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती, ठीक है? वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है हमारी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है? तो दो एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट हमारे पास दो हैं। मेजरली क्या होता है एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट कि आपने अपने को सिस्टम में, अपने टेबल में जो भी एंटिटी, जो भी वैल्यू इंसर्ट करी है, दैट शुड बी करेक्ट। कैसे हम चेक करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ईच रो इन अ रिलेशन मस्ट बी यूनिक। सारी की सारी रोज हैं वो यूनिक होनी चाहिए, कोई भी रिपीटेटिव वैल्यूज, रिपीटेटिव रो इंसर्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा हम देखेंगे, प्राइमरी की शोज द यूनिकनेस ऑफ अ रो कैन नॉट बी नल, ठीक है? आपके प्राइमरी की वैल्यू जो, प्राइमरी की का जो कंसेप्ट है, दैट कम्स अंडर एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। वो आपकी नल नहीं हो सकती और हर एक रो की यूनिकनेस शो करती है, ठीक है? जैसे स्टूडेंट आईडी 1 2, अब आपका जो रोल नंबर है, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर आपका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है? मैं बोलूंगी रोल नंबर 23 या रोल नंबर 22, तो वो रोल नंबर खड़ा ऑफलाइन क्लासेस में हैंड रेज कर देगा, फाइन? तो ये क्या है, वो उस स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन है आफ्टर योर नेम। नेम कॉमन हो सकता है, रोल नंबर या आईडी जो भी प्राइमरी की है वो कॉमन नहीं हो सकती, ठीक है? तो वो आपका यूनिकनेस शो करती है प्राइमरी की, और नल नहीं हो सकती। दिस प्रॉपर्टी कम्स अंडर एंटिटी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है? डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कम्स विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की, ठीक है? डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कम्स विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? आई थिंक आपने दूसरे सब्जेक्ट में देखा होगा फॉरेन की। फॉरेन की बेसिकली क्या होता है, मींस दैट इफ अ टेबल हैज फॉरेन की, देन अ रो और अ की मस्ट बी एग्जिस्ट इन रेफरेंस टेबल, ठीक है? बेसिकली आपने देखा होगा जैसे फॉरेन की आपको क्या करता है, मल्टीपल टेबल्स आपके पास प्रोवाइडेड है, मान लीजिए, ठीक है? मल्टीपल टेबल्स आपके पास प्रोवाइडेड हैं। एक टेबल है हमारे पास, मान लेते हैं क्लाइंट, देखिए एक टेबल है आपके पास, मान लेते हैं हम क्लाइंट टेबल है आपके पास, ठीक है? क्लाइंट टेबल में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। मैंने बना दिया एक, फर्स्ट बना दिया क्लाइंट नंबर, ठीक है? क्लाइंट नंबर बना दिया, ऑल्ट बना दिया क्लाइंट का नेम, एक हमने बना दिया क्लाइंट का एड्रेस, और एक हम बना देते हैं क्लाइंट का प्रोडक्ट, ठीक है? क्लाइंट प्रोडक्ट। अब एक टेबल में को प्रोडक्ट देखो, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट की डिटेलिंग ये सब हो गई, फाइन? अब हमको क्या करना है, क्लाइंट के साथ साथ में क्लाइंट जिस प्रोडक्ट को ले रहा है, जो भी हमारे पास कंपनीज के पास कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की डिटेलिंग भी मुझे करनी पड़ेगी, राइट? अभी मैं प्रोडक्ट की डिटेलिंग ही इसी टेबल में कर दूंगी, तो दैट विल बी मेरे नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट के ऑपोजिट हो जाएगा। हमने क्या बोला था, हमको अपनी टेबल को नॉर्मलाइज रखना है। नॉर्मलाइजेशन के तीन फॉर्म्स हैं, BCNF तक फॉर्म है, वो आपको चेक करके ही आपको कोई भी टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है? आप पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव, ये सारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमारे पास एक और हमको टेबल बनानी पड़ी प्रोडक्ट की, ठीक है? जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट की डिटेलिंग कर रहे हैं, ओके? अब आपको बोला गया है कि क्लाइंट और प्रोडक्ट दो अलग अलग टेबल्स हैं जरूर, लेकिन इनमें कोई आपको सिमिलैरिटी लानी है, ठीक है? एक कॉमन फैक्टर आपको ऐसा डिसाइड करना है
जिससे ये दोनों टेबल्स कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, फॉरेन की का कंसेप्ट है स्टूडेंट, समझना ध्यान से, समझ नहीं आए तो वापस पूछ लेना, लेकिन इंपॉर्टेंट है फॉरेन की का कंसेप्ट, क्योंकि आगे फॉरेन की के बारे में और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नथिंग बट कंपनी सिर्फ ये बोल देती हैं कि फॉरेन कीज के से रिलेटेड इन दोनों टेबल्स को कनेक्ट करो। ठीक है, तो समझ ही नहीं आता कहाँ फॉरेन की लगती है और उनके रूल्स क्या क्या होते हैं। देखना, दो टेबल्स हैं, अगर आपको उनको कनेक्ट करना है, कोई आपको उसका रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, आप किससे किसकी हेल्प से कर सकते हो? क्योंकि देखो, यहाँ पे हमारे पास एक की हो गई प्राइमरी की, हो गई हमारे पास क्लाइंट नंबर, फाइन, क्लाइंट नंबर या एम्प्लॉय आईडी कुछ भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है, फाइन। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, क्लाइंट का प्रोडक्ट हमारे पास एक ऐसी एट्रीब्यूट है जो ये यूनिक होगी, हर प्रोडक्ट की आईडी, यहाँ पे क्लाइंट प्रोडक्ट हटा देते हैं, प्रोडक्ट आईडी कर देते हैं, हर हर क्लाइंट के पास अपना प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रोडक्ट आईडी, फाइन। तो एक प्रोडक्ट आईडी ऐसी एट्रीब्यूट है जो क्लाइंट में भी है, हर क्लाइंट के पास अपना अपना एक प्रोडक्ट लगेगा, और प्रोडक्ट की डिटेलिंग जो होने वाली है वो प्रोडक्ट आईडी से होने वाली है। ठीक है, प्रोडक्ट की जो डिटेलिंग आप सेव करने वाले हो अपने टेबल में, वो प्रोडक्ट आईडी से करने वाले हो। तो इन दोनों को आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की। ठीक है, वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ व्हाट? वी हैव अ कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? ऐसी कीज जो आपको दो टेबल्स को कनेक्शन एस्टैब्लिश करती हैं। उसका एक मेजर रूल है कि मान लीजिए अगर प्रोडक्ट आईडी इस टेबल में सेकेंड है, ठीक है, फॉरेन कीज इज लाइक प्राइमरी की, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी एक प्राइमरी की है और प्रोडक्ट आईडी भी यूनिक होती है, ये भी आपकी प्राइमरी की हो सकती है। तो हमने क्या किया, हमारी प्रोडक्ट एक टेबल है, वहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी है, तो हम यहाँ पे तो इस पर्टिकुलर टेबल में जहाँ पे आपके पास ऑलरेडी प्राइमरी की है, उस टेबल में हम इसको बना देते हैं फॉरेन की, और जो फॉरेन की फर्स्ट टेबल में फॉरेन होती है वो आपकी प्रोडक्ट टेबल में, जो इनिशियल जिसके साथ आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, वहां पे वो पर्टिकुलर की आपकी होती है प्राइमरी की। ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप इस तरीके से होता है कि अगर आपने कोई टेबल टेबल्स को मर्ज करना चाहा, रिलेट करना चाहा, तो इनका कनेक्शन कुछ ऐसे होगा कि क्लाइंट जो फर्स्ट टेबल है जिसमें आप फॉरेन की बनाना चाह रहे हो, उसको रिलेशन एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उस टेबल में तो वो फॉरेन की होती है, लेकिन जिस भी टेबल में वो फॉरेन की है वो अपनी पर्टिकुलर टेबल में वहां पे वो होती है प्राइमरी की। तो अगर प्रोडक्ट आईडी क्लाइंट टेबल में फॉरेन की है तो वो प्रोडक्ट टेबल में अपने आप प्राइमरी की बन जाएगी। दिस इज योर फर्स्ट एंड मेजर रूल, ठीक है, फॉरेन कीज का। फॉरेन की का कंसेप्ट कब इंट्रोड्यूस होता है? जब हमको मल्टीपल टेबल्स को क्रिएट करना होता है, मर्ज करना होता है, कोई रेफरेंस के थ्रू हमको इनको कनेक्ट करना होता है, तो हम करते हैं फॉरेन कीज का इंट्रोडक्शन। फॉरेन मतलब नाम से पता चल रहा है, फॉरेन मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हमारे टेबल को बिलोंग नहीं करती, बट स्टिल हमारे टेबल में एक फॉरेन एलिमेंट है। ठीक है, फॉरेनर हम बोलते हैं ना, जैसे कोई अमेरिकन आया है, यूएस का आया है, अमेरिकन इंडियंस होते हैं, वो पहले इंडियंस थे लेकिन अब अमेरिकन हो गए, ठीक है, तो इंडियन में, इंडिया में आए हैं, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे यहाँ के हैं नहीं, हमारे यहाँ के हैं लेकिन ओरिजिन उनका कहाँ है, ओरिजिन उनका यूएसए है, राइट। फॉरेनर्स का क्या है, वो अभी हमारे यहाँ पे आए हुए हैं लेकिन उनका ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन उनका यूएसए है फॉरेनर्स का, राइट। तो वही अपन की है फॉरेन की। फॉरेन की मतलब ऐसी की जो आपकी टेबल में है तो सही अभी, ठीक है, एज एन फॉरेन मेंबर है कि वो आपकी टेबल में है लेकिन आपकी टेबल को बिलोंग नहीं करती, वो कहाँ बिलोंग करती है, यूएसए में, वो अपनी खुद की एक टेबल में बिलोंग करेगी प्रोडक्ट में, और वहां पे वो प्राइमरी की होगी। ठीक है, हमारे पास तो एज एन फॉरेनर है वो पर्टिकुलर की, लेकिन उसका जो एरिया है, जैसे यूएसए में चला गया तो उसके पास तो वहां पे रेड कार्ड है, ठीक है, तो वहां पे उसके पास अपना खुद का एक आइडेंटिटी प्रूफ है, यूएसए का पूरा वो सिटीजनशिप का आइडेंट, उसके पास पासपोर्ट है, वीजा है, ठीक है, तो वहां पे तो वो प्रॉपर प्राइमरी की है लेकिन हमारे यहाँ पे वो फॉरेनर है। फाइन, तो ये है आपका बेसिक फॉरेन की का कंसेप्ट। किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉरेन की का, ठीक है, इससे आप बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आई थिंक आपको दूसरे जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो वहाँ पे फॉरेन की का कंसेप्ट बहुत यूज में आएगा। ठीक है, फॉरेन की का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर फॉरेन की के कंसेप्ट से आता है, देखो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक टेबल में आपने प्रोडक्ट आईडी बनाया है, वो आपके टेबल को बिलोंग नहीं करता है, इट्स जस्ट अ फॉरेनर मेंबर, तो हमने उसको फॉरेन की बना दिया वहां पे, लेकिन वो खुद की टेबल का तो प्राइमरी की होगा,
ठीक है, तो खुद की टेबल का प्राइमरी की हो जाता है कि ये हमने क्या क्रिएट किया प्रोडक्ट आईडी का, ये हमने क्रिएट किया रेफरेंस, राइट, हमारा एक फॉरेनर जो आया था उसका रेफरेंस हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। एक एक तो हमने उसको एक पर्टिकुलर एनआरआई का, इंडिया में एक एनआरआई का वो दे दिया सिटीजनशिप, लेकिन आपके पर्टिकुलर वो जिस कंट्री से वो आया वहां पे वो सिटीजन है ऑलरेडी, ठीक है। तो वहां पे हमने उस पर्टिकुलर मेंबर को क्या किया, वो एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया बिटवीन टू कंट्रीज, राइट। तो यहाँ पे भी हम फॉरेन की से क्या कर रहे हैं, दो टेबल्स में एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर को एंटरटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए कि फॉरेन की जो आप क्रिएट कर रहे हो वो उस पर्टिकुलर फॉरेनर का अपना खुद का एग्जिस्टेंस होना चाहिए किसी टेबल में, फॉरेन की कहीं ना कहीं पे अपनी टेबल में प्राइमरी की जरूर होनी चाहिए। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इंश्योर करने के लिए वी हैव थर्ड पॉइंट विच इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंस क्रिएट किया तो रेफरेंशियल, दैट मींस रेफरेंस की इंटीग्रिटी को चेक करना है आपको। डेटाबेस इंटीग्रिटी में थर्ड पॉइंट क्या चेक करना है, रेफरेंस की इंटीग्रिटी को चेक करना है। तो दैट कम्स अंडर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। जब हम फॉरेन की के इस कंसेप्ट को चेक करते हैं कि आपका फॉरेन की जिस पर्टिकुलर टेबल में फॉरेन मेंबर है उसके वो पर्टिकुलर फॉरेन मेंबर अपनी टेबल का प्राइमरी मेंबर होना चाहिए, ठीक है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेक करते हैं हम थर्ड पॉइंट में, विच इज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मीन्स दैट इफ अ टेबल हैज अ फॉरेन की देन अ रोज ऑफ द की मस्ट बी एग्जिस्ट इन अ रेफरेंस्ड टेबल, ठीक है। जो भी रेफरेंस्ड टेबल है उस पर्टिकुलर रेफरेंस टेबल में वो पर्टिकुलर रो एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो प्राइमरी की एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। जैसे क्लाइंट में प्रोडक्ट आईडी था तो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टेबल में प्रोडक्ट आईडी आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए एज अ प्राइमरी की। दैट प्रॉपर्टी विल बी नोन एज, इसको इंश्योर करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, एंड फॉरेन कीज का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज बिजनेस रूल्स। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। फॉरेन की समझ आया सबको? एनीवन? इम्पॉर्टेंट है लॉजिक फॉरेन की इसका, क्योंकि मैंने इसको सुपर की, प्राइमरी की और कैंडिडेट की के साथ ऐड नहीं किया था, आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। वो तीन तो एक है, सुपर, कैंडिडेट एंड प्राइमरी, वो तीन तो एक है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ठीक है। उसका आपको बाइफर्गेशन करना आ गया होगा, कीज का बाइफर्गेशन करना, ठीक है। आपके पास एक और इम्पोर्टेंट की होती है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है ये आपने समझ लिया। अगर आपको मल्टीपल टेबल्स में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है, यहाँ का तो वो फॉरेनर मेंबर होगा लेकिन उस पर्टिकुलर टेबल का वो प्राइम मेंबर होना चाहिए, ये उसका एक मेजर रूल है फॉरेन की का, ठीक है। क्यों यूज की जाती है, मल्टीपल टेबल्स को आपस में रिलेट करने के लिए यूज की जाती है। प्रैक्टिकल्स करोगे डीबीएमएस एसक्यूएल पे, प्रैक्टिकल्स करोगे इन फ्यूचर ओरेकल पे करोगे, ठीक है, तो आपको और पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स में फॉरेन की के कंसेप्ट, प्राइमरी की के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना, तब और अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट वी नीड टू यूज फॉर डेटाबेस इंटीग्रिटी इज बिजनेस रूल्स। नाम से पता चल रहा होगा, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज डिफाइंस द बिजनेस रूल्स, ठीक है। आपको इंश्योर करना है कि हर एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स, यानी कि आपने डिपेंडेंसीज जो निकाली हैं हर पर्टिकुलर एंटिटीज के, ए टेंड्स टू बी, बी टेंड्स टू सी, डी, ठीक है, ये जो भी आपने रिलेशनशिप फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो भी क्रिएट करी है हर एक एंटिटीज के बीच में या किसी कॉलम्स के बीच में, किसी सेट ऑफ बिजनेस रूल्स, ये क्या है, ये डिपेंडेंसीज ये आपके कुछ सेट ऑफ रूल्स ही हैं, ये तो हमने क्रिएट किए हैं ना, तो ये हमारे कुछ रूल्स हैं, तो ये बिजनेस रूल्स की जो रिलेशनशिप है दैट शुड बी प्रॉपर, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप्स हैं जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज में लगा रहे हो वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम बिजनेस रूल्स, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बिजनेस रूल्स, जो आपकी डेटाबेस इंटीग्रिटी का मेजर पार्ट है। फाइन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट